मधुपुर पाथरोल थाना क्षेत्र के दासडीही गांव में बीती रात चोरों ने कई घरों को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है चोरों ने विनोद महतो के घर से चांदी व सोने के जेवरात समेत 95,000 नगद की चोरी हो जाने की बात सामने आ रही है। वहीं शंभुदास के घर से 42,000 नगद सोने चांदी के जेवरात, अर्जुन भोक्ता के राशन दुकान से 3,000 नगद, विष्णुदास के गैराज से कुछ गाड़ी बनाने का सामान चोर ले उड़े। अन्य ग्रामीणों के घरों में भी चोरी का अथक प्रयास किया गया, हालांकि यहां चोरों को सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही पाथरोल थाना प्रभारी दिलीप कुमार बिलुंग पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। घटना की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश रवानी, संजय गुप्ता समेत भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा पोद्दार ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हालांकि प्रशासन द्वारा 11 घरों में चोरी होने की घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। इधर पीड़ित परिवार के लोग थाना पहुंचकर आवेदन देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।